क्या जम्मू कश्मीर की जनता देश की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता वहां इंडस्ट्री नहीं चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता वहां पर जो भेदभाव हो रहा था राष्ट्रीय कानूनों को लागू होने में, उसकी अगर एक रूपता और समानता आती है तो उसमें उनकी भलाई है? आपको क्या लगता है गुपकार को 370 की जीत छोड़कर उपकार नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? देखिए, पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम सब लोग 370 को ही क्यों ला रहे हैं। क्या 370 इस सब के बीच में आ रहा था? अगर 370 डेवलपमेंट के बीच में कोई ब्लॉक था तो आज 370 को आटे 1.5 साल हुए, कौन सी डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में? कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंप्रूवमेंट है? तो 370 को इसके साथ लिंक करना पूरी गलत बात है। दूसरी बात जो आप लोग जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप लोग बोल रहे हैं गुफकार गैंग, क्या ये लोग गैंग लिटरली मींस एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स? तो क्या ये गैंग है? ये लोग इनके बयान जो है बंच ऑफ क्रिमिनल्स की तरह है। ये लोग फारूक अब्दुल्ला चाइना से मदद मांगते हैं, एक आदमी पाकिस्तान से मदद मांगता है। सरफराज जी मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए, एक आदमी चाइना से मदद मांगता है, एक नेता बोलती है कि मैं झंडे और तिरंगे को नहीं उठाऊंगी, तो ये तो क्रिमिनल की तरह एक्ट कर रहे हैं ना। आपको अगर देश के वतन के झंडे का सम्मान नहीं है तो किस चीज का सम्मान है आपके पास? सेडिशन और डिसेंट, सेडिशन और डिसेंट में एक अंतर है। और आपने इवन जो जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, फ्लैग जो हमारा नेशनल फ्लैग दिस ऑनर एक्ट है, उसके अंदर भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से या अपने फ्लैग से किसी पॉइंट पे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहते हो तो वो इन द वेरी एक्ट अलाउड है। तो डिसेंट और सेडिशन दो अलग अलग चीजें, आप इनको। लेकिन सवाल ये है क्या डिसेंट सेडिशन तक जा रहा है? जब आप अपने देश की चीजों को सॉल्व करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की मदद करने लगे तो इसको सेडिशन ही कहा जाएगा? सरफराज जी क्यों नहीं कहा जाएगा सेडिशन इसको? मैं आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम क्या कहेंगे आप इसको? सेडिशन नहीं कहेंगे? मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, चीन आकर 370 बहाल करवा दे, ये क्या है? और उस वक्त जब चीन हमारा दुश्मन बनके हमारे सैनिकों को मार रहा है और हमको मारना पड़ रहा है उन लोगों को जाके। देखिए, मैं कश्मीर के जो हमारे लोग बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलतफहमियां फैलाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। उनको अगर समझ में नहीं आता है कि उनके फायदे के लिए वो अपने फायदे के लिए, बाकी कश्मीरियों के फायदे के लिए वो चाहते हैं कि सरकार उनके साथ रहे तो सरकार उनके साथ है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वहां की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने फायदे के लिए 70 साल से वहां पर एंजॉय कर रही है और वहां के आम कश्मीरियों के जो हित में जो काम होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं रोक के रखा है, तो आप गलतफहमी में ऐसा नहीं होने देंगे। फिर हमारी सरकार बहुत क्लियर है कि एक आम कश्मीरी नागरिक जो है उसके हित में काम करेंगे, वहां डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिससे वंचित रहा हुआ है कश्मीर। और वहां पर इस तरह की जो ताकतें हैं जो देश विरोधी है उसको आप जिस तरह से भी जो चार्जेस लगाइए सब कम है। अगर आप देश का झंडा सर आंखों पर नहीं उठाते हैं तो आप हर ऐसे सेडिशन चार्जेस के हक में आप, मतलब आपके हक में हो सकता है, इसलिए कि आप गलत काम कर रहे हैं। आप देश के झंडे को चूमिए, दिल से लगाइए, गले से लगाइए और देखिए आपको देश जो है आपको गले से लगाएगा।